हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास कैमटेशिया में ये एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ पीसी में फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर देना है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अभी मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया हूं। उसके बाद आपको जो है यहां पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पर वीव टैब में आना है। उसके बाद आपको यहां पर शो हिडन फाइल्स इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पर डोंट शो हिडन फाइल्स है तो आप इसको यहाँ पर शो हिडन फाइल्स के ऊपर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके कीजिए। फिर आपको यहाँ पर सी ड्राइव ओपन कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर प्रोग्राम डाटा का फोल्डर दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है टेक्स्टमिथ, ये फोल्डर को आपको ओपन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमटेशिया स्टूडियो, आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का फोल्डर शो हो जाएगा, तो आप इस फोल्डर को आपको डिलीट करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास लाइब्रेरी 4.0 का फोल्डर शो हो रहा है, आपके पास 2.0 3.0 भी शो हो सकता है। तो आप यहां पर इस फोल्डर को डिलीट कीजिए। इस तरीके से आपको इसको डिलीट कर देना है। फिर आपको यहां पर इस विंडो को क्लोज कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस विंडो को अभी क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद आपको स्टेप टू फॉलो कर देना है। आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग ओपन करना है। यहाँ पर स्टार्ट मेनू के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आप सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग जो है ओपन हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो गई है। ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है कैमटेशिया, तो फिर आपको जो है यहाँ पर कैमटेशिया शो हो जाएगा। राइट साइड में आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर आपको अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद कैमटेशिया अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप फिर से कैमटेशिया को रीइंस्टॉल कीजिए, आपके पीसी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।